हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी हैप्पी होंगे, अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं क्या है आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, आप दोनों की कनेक्ट एनर्जी, या जब भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या होता है आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए। तो गाइस, एक कलेक्टिव टाइम में जनरल रीडिंग है, रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या है आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए, क्या फील कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, ओके। जो आपका इंट्यूशन कहता है सही है, बिल्कुल राइट है, आपको आपके इंट्यूशन से बेहतर कोई गाइड नहीं कर सकता। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये सारे कार्ड्स लूँगी मैं। मजेशियन, ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पैसेस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या तो आपका साइन हो सकता है, ओके। ओ माई गॉड, एक बात बता दूं, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो घमासान मचा हुआ है, या तो चल रहा है, या तो हो रहा है, या तो होने वाला है, ओके। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए, या अभी भी हो। मुझे कुछ लोग के लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, ओके। टोटली नो कॉन्टैक्ट में हो आप दोनों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले बता दूं कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो हो रहा है, या तो इनको हेल्थ इशू हो रहा है, या तो इनकी लाइफ में, या तो इनके फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो रहा है, ठीक है, ये मुझे नज़र आया है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप, सेपरेशन, डाइवोर्स, या जो भी थर्ड पार्टी है इनका फैमिली, उनके साथ कुछ तो मनमुटाव, झगड़ा, लड़ाई हुआ है, या तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ कुछ तो टावर मोमेंट मुझे दिखाई दे रहे, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है पता है कि इस पर आपके पर्सन ने ना थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा सुना है, कहा माना है, जो उन्होंने कहा वैसा किया, ओके। अगर इनकी फैमिली थी, अगर इनकी मदर थी, सिस्टर, जो भी रहा है, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी थी, उन्होंने जैसा कहा, जैसा बोला गया इनको कि ये करने को, तो उन्होंने किया। आपसे ब्रेकअप करने, आपसे दूर रहने तो किया इन्होंने, कहीं और मैरिज करने तो किया इन्होंने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन तंग आ चुके हैं, ठीक है। एक वक्त पर इस पर्सन को लगा था, एक मिनट यार, एक वक्त पर आपके पर्सन को लगा था कि ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा इनके लिए कहीं और मैरिज करना, सब कुछ सही होगा, ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को, ओके। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हैप्पी तो रहे थे, बट अभी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो टावर मोमेंट आया है, या तो आने वाला है, ओके। कर्मा कह सकते हैं इनको, ओके, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज़ होगा आपको लेकर, अपने लाइफ को लेकर, लव को लेकर, कि ट्रू लव होता क्या है, सच्चा प्यार क्या होता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है, ये पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, और ये पर्सन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी ये है कि ये अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको फील होता है ना कि ये पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी सी कुछ ऑप्शन है, या तो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, या तो ऑलरेडी है, ओके, या तो इस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह लिया है और थर्ड पार्टी को चूज किया इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट अब इनके नज़र ये है कि वो होते ना चार दिन की चांदनी, इस तरह इनके लाइफ में भी हुआ है, और अब इनको एहसास हो रहा है, आपकी अहमियत पता चल रहा है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, ओके। आपके प्यार को सोच रहे हैं, आपकी वैल्यू को सोच रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, केयर किया था, हर तरीके से, हर सिचुएशन में आपने इनको केयर दिया, सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, ओके। और जो वो सब है थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा है, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा रूड है, इनका फैमिली, या तो इनका मैरिड पर्सन, जो भी, जिनसे भी इनका मैरिज हुआ है, ओके,
वो काफ़ी ज़्यादा रूड हैं, या तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ओके, या तो वो जो थर्ड पार्टी है इनको बहुत कुछ सुना देते हैं, जिसके वजह से ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, आपके केयर को, आपके एफर्ट्स को याद करते हैं और रिग्रेट करते हैं कि क्यों मैंने ऐसा कर लिया, मैंने तो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। इस तरह इनकी एनर्जी होता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच अगर कोई तीसरा पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली मैरिज के लिए सोच रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के लिए अगर ये पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली है तो इनकी एनर्जी ये है कि क्यों इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, क्यों इस पर्सन ने किसी और को चूज किया, क्यों, ये इनकी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, इज़ अ फ्रेंड, इज़ अ लवर, बट आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। और आने वाले दिनों में ये पर्सन खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, ओके, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं ही मैसेज या कॉल कर लेता हूँ तो ऐसे गलती मत कीजिए, ओके। आपको अपने हाई एनर्जी में रहना है, आप जितना हो सके खुद को हैप्पी रखें जितना हो सके, और डिज़ायर नहीं रखना है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, मुझे कमिटमेंट दे या दे, मेरे लिए स्टैंड ले, आपको इस तरह से डिज़ायर्स नहीं रखना है, ठीक है। आपको खुद पर फोकस करना है, आपका फोकस खुद पर होना चाहिए, सेल्फ लव कीजिए। जितना आप खुद को लव दोगे, केयर दोगे, खुद को वैल्यू दोगे, खुद का रिस्पेक्ट करोगे, उतना ही आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपको गिफ्ट देगा, ओके। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, कुछ तो टावर मोमेंट दिखाई दिया है, थर्ड पार्टी के साथ इनका सेपरेशन, ब्रेकअप, या तो झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या तो होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ओके। सेपरेशन दिखाई दे रहा है मुझे थर्ड पार्टी के साथ, और कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में है, रो रहे हैं, पछतावे वाले एनर्जी में है, रिग्रेट वाले एनर्जी में है। कुछ दिनों के रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है रिग्रेट, पछतावा, ओके। इनको रात को भी सही से नींद नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, ओके। आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है। और यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाए, आप दोनों का मैरिज हो जाए, मुझे इनकी एनर्जी लग रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, ओके, ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग आप दोनों मिरर कर रहे एक दूसरे को, आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों का मैरिज हो जाए, ये आपके लिए स्टैंड है, आप दोनों एक दूसरे को ही मिरर कर रहे हो। आपकी एनर्जी देखते हैं क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, OMG, डेफिनेटली ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको फील होता है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, आप अटैच हुए इस पर्सन से, इमोशनली आपने डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लव दिया है, केयर दिया है, हर तरह से सपोर्ट किया है इस पर्सन को, और अभी भी आप इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, ओके। आपको फील होता है कि यह एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, भले आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आ चुका है, बट आप यूनियन ही चाहते हैं, आप इस पर्सन के लिए अच्छा ही सोचते हैं, आज भी इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपका लव ना इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल है, और मुझे इनकी तरफ से भी लव दिखाई दे रहा है। मुझे ना पहले क्या दिखाई दे रहा है पता है, कि पहले सब कुछ सही था आप दोनों के बीच, बट धीरे धीरे चीज़ें खराब हुई। तो आप यूनियन चाहते हैं इनके साथ, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको कमिट करें, ये आपके लिए स्टैंड लें, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है इस पर्सन के साथ, ओके। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच हो आप इस पर्सन से, भले इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाया है, हर तरीके से इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें दी है, पेन दिया है, बट फिर भी आप इस पर्सन को नहीं भूले हो, आप अभी भी इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो। मुझे लग रहा है कि जितना आपने इस पर्सन को लव दिया, केयर दिया ना, ये पर्सन बस आपसे लेते रहे, ओके। इन्होंने आपको उतना ज़्यादा लव, उतना ज़्यादा केयर नहीं दिया है,
आपका क्या पता है कि ये पर्सन आपको आपको क्या चाहिए इस पर्सन से? सिर्फ लव, सिर्फ केयर, ओके? ज़्यादा कुछ ख्वाहिश नहीं देख पा रही हूँ मैं आपका। आप काफ़ी ज़्यादा लव करते हो इस पर्सन से। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो अगर आप इस पर्सन को चेस कर रहे हो और अगर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है तो आपको प्लीज मत कीजिए, चेस मत कीजिए और रोना धोना बंद कीजिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, ओके? एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप, चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, आपको कमिटमेंट दे, आपके लिए स्टैंड ले, जो कि आया है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, ओके? और जो कुछ भी आप दोनों के बीच ब्रेकअप चल रहा है इसका अंत हो आप चाहते हैं, ओके? और कुछ लोग के लिए कि बिल्कुल आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हैं, आप एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं, ओके? चाहते हैं कि फैमिली मान जाए, या तो फैमिली को ये पर्सन मना ले या तो आपके लिए स्टैंड ले, ब्रेकअप का अंत हो, सेपरेशन का अंत हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, काफ़ी कुछ पेन दिया है इस पर्सन ने आपको, बट फिर भी आप इस आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको फील होता है इस पर्सन के साथ, ओके? और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को भी फील होता है ये, अगर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी फील होने लग गया है। पहले क्या था पता है, पहले ना इस पर्सन को मुझे नहीं लग रहा है कि पहले इनको पता था, पहले उतना फील होता था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और हमेशा इस पर्सन ने प्रैक्टिकली डिसीजन लिया, ओके? अपने दिल की बातें कभी नहीं सुनी, हमेशा दिमाग से ही चलते रहे और अब पछता रहे हैं, अब रिग्रेट कर रहे हैं, ओके? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका दिल टूटा हुआ है, टूट गया है, और ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ओके? ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, थर्ड पार्टी है, ओके? कुछ लोग लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए थर्ड पार्टी से बाहर निकलना, ओके? थर्ड पार्टी इनके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे कुछ लोग लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, डेफिनेटली एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग आपके साथ फील करते हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करते हैं आपके साथ, भले ये पर्सन ने आपको बताया है नहीं बताया है, बट मैं आपको बता दूं पहले से कहीं ज़्यादा मुझे लग रहा है यार कि अब ये पर्सन ना रियल में ट्रू लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है समझने लगे हैं धीरे धीरे ही, सही, बट इस पर्सन को समझ आई है, ओके? इस पर्सन को समझ आई है और ये पर्सन बैलेंस आते हैं आप दोनों के बीच, सबको शॉर्ट आउट करना, बट आप दोनों के बीच चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आप दोनों के खिलाफ हैं, आपके रिश्ते के खिलाफ हैं, थर्ड पार्टी है तो इनके लिए मुश्किल है, ओके? चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, ये इनकी एनर्जी है, देख सकते हैं, 9 of Swords, 4 of Swords, 3 of Swords, 5 of Wands और यहाँ पर आपके लिए एनर्जी मिला है, ओके? आपने बहुत ही ज़्यादा लव दिया है, केयर दिया है, आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके केयर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अब इनको एहसास हो रहा है कि एक बेशकीमती चीज़ इस पर्सन ने गुमा दिया है, बेशकीमती चीज़ इस पर्सन ने अपने हाथों से ही गुमा दिया है, अपने पैर पर खुद इस पर्सन ने कुल्हाड़ी मार दिया है, इनको एहसास हो रहा है, ओके? सच्चाई को नहीं देख पाए, आपके लव को पहले नहीं देख पाए और अब पता चल रहा है जब ये लाइफ में धक्के खा रहे हैं, ओके? जब इनको चोटें लग रही है, जब इनको हर्ट पहुंच रहा है, इनका दिल टूट रहा है, तब इनको तभी आपको याद कर रहे हैं, तब आपकी वैल्यू इस पर्सन को पता चल रहा है, ओके? तो गाइस कुछ लोग ले कि इनके लिए थर्ड पार्टी से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देख सकते हैं यार आप, ठीक है, 5 of Wands है, डेविल है, आपसे अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा है, भले इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिज है, अगर ये मैरिड है, ठीक है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो अगर इनके लाइफ में कोई भी है ना, फिर भी आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ओके? इमोशनली तो अटैच हैं आपसे, और भी ज़्यादा होने लग गए हैं, बट फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ। और देखते हैं, ओके, इस पर्सन का अगला कदम क्या होगा, क्या ये पर्सन आपके लिए कभी स्टैंड लेंगे, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे कि ऐसे ही
ठीक है, देखते हैं। कुछ लोग ले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का यूनियन हो गया, आप दोनों के बीच सब कुछ सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे फोर ऑफ वॉन्ड्स मिला है, आपके पर्सन की तरफ से मैजिशियन का कार्ड मिला है, आपकी तरफ से टू ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही होगा, आप दोनों का यूनियन होने ही वाला है बहुत ही जल्दी, आप दोनों का मैरिज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का फ्रेंडशिप हो सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। फुल ये पर्सन आ रहे हैं, ओके ये पर्सन आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी है कोई रोक रहा है इस पर्सन को, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दिनों तक इस पर्सन को कोई रोक पाएगा, ये पर्सन अपने फीलिंग्स को रोक पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गिल्ट फील होगा इस पर्सन को, कि इस पर्सन को भी एहसास होगा, जो आपको एहसास हो रहा है ना कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, ये आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर हैं, ये इनको भी एहसास होगा डेफिनेटली, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि आप दोनों की तरफ से आ गया, ओके। तो इनको भी एहसास होगा, जो आपको एहसास हो रहा है धीरे धीरे सही, बट इस पर्सन को भी एहसास होगा कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और भी ज़्यादा गिल्ट होगा आने वाले दिनों में, तब जाकर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, ओके। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, ओके, लव यू ऑल।